हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आयशाज़ गुड लाइफ। तो चलिए आज करते हैं अनबॉक्सिंग माय न्यू ट्राइपॉड जो कि मैंने फ़्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। तो ये रहा वो पैकेट जो मुझे फ़्लिपकार्ट से रिसीव हुआ है। तो चलिए इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। पैकेजिंग तो बहुत ही अच्छी है इसकी, तो मैं एक नाइफ की हेल्प से इसको अनबॉक्स कर लेती हूँ। इस वीडियो को डालने का ये मकसद है कि यहाँ पर मैंने जब 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिया तो मुझे बहुत ही खुशी महसूस हुई और तभी जाके मैंने ट्राइपॉड पे इन्वेस्ट करना सोचा। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहे और आप भी अपना न्यू ट्राइपॉड खरीदना चाहते हैं इस वीडियो को एंड तक देखिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मैंने अनबॉक्स कर लिया है। तो देखिए ये है मेरा नया ट्राइपॉड जो कि कोडा का T210 ट्राइपॉड है। इसका नेम लाइट वेट ट्राइपॉड है, बहुत ही अच्छा फीचर्स है इसके। ये देखिए थ्री वे पैन मोमेंट है, थ्री सेक्शन सपोर्ट है, स्मार्टफोन होल्डर है और बहुत ही अच्छा है और बहुत ही लाइट वेट है। तो चलिए इसे ओपन कर लेते हैं। तो ये रहा, इसके अंदर ये मोबाइल फ़ोन होल्डर है और ये अच्छी खासी इस बैग में आया है। ये देख सकते हैं आप, कोडाक कहकर लिखा है इसके ऊपर। कोडाक बहुत ही अच्छी कंपनी है जो कि इसके कैमरास भी बहुत अच्छे होते हैं। तो ये रहा इसका एडजस्टमेंट बेल्ट, आप इसे इस तरह भी कैरी कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको भी ओपन करके देख लेते हैं अंदर हमारा ट्राइपॉड कैसा है। तो ये रहा हमारा ट्राइपॉड, एकदम बहुत लाइट वेट है ये ट्राइपॉड, मैं कह सकती हूँ देखकर ही। ये देखिए, तो चलिए इसे ओपन कर लेते हैं। ये रहा मेरा ट्राइपॉड T210 कोडाक कंपनी का है ये। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा ट्राइपॉड को मैंने अनबॉक्स कर लिया है और ये बहुत ही अच्छा है और बहुत ही लाइट वेट है और इसी के साथ साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ये देख सकते हैं आप। और ये जो एडजस्टमेंट है आप इसको 90 डिग्री सेट कर सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर मोबाइल होल्डर स्टैंड है जो कि इसको मैंने रिमूव कर लिया और जो स्क्रू दिया है इसको हम इसके अंदर फिक्स कर लेंगे। और ट्राइपॉड होल्डर जो मोबाइल फ़ोन होल्डर है वो भी बहुत ही अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी, आप देख सकते हैं। आप जिस भी पोजिशन में चाहे उसको एडजस्ट कर ले सकते हैं। इसको टू साइड से स्क्रू एडजस्टमेंट दिया गया है। तो चलिए ये रहा मेरा न्यू ट्राइपॉड, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है इसको अनबॉक्स करके। और ये देखिए जो एडजस्टमेंट है आप इसको 90 डिग्री रोटेट कर सकते हैं और उसी के साथ साथ ये जो नॉब है इसको हम मतलब ऊपर तक सेट कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ही लाइट वेट है, वेट भी ज़्यादा नहीं है इसका और जो क्वालिटी है बहुत ही अच्छी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मेटालिक है इसकी बॉडी। और यहाँ पर देख सकते हैं आप थ्री सेक्शन सपोर्ट है। तो चलिए मैं आपको एक एक ओपन करके बताती हूँ। ये देखिए इसको खोलने से हमारा एक सेक्शन ओपन हो चुका है, इसे अब हम अनलॉक कर लेते हैं। अब इधर से देखिए ये भी खुल चुका है इसी तरह से हम, तो ये रहा हमारी दूसरी पोजिशन, तो ये रही हमारी दूसरी पोजीशन। तो आप इसका हाइट देख सकते हैं, करीब 3 फीट का हाइट हो चुका है इसका भी। तो चलिए अब इसका थर्ड पोजीशन देख लेते हैं हम, इसको भी मैं ओपन करके बता देती हूँ आपको। ये देखिए कितना इजीली निकल रहा है ना, बहुत ही अच्छा है ये ट्राइपॉड, तो मुझे बहुत पसंद आया। ये देखिए ये थ्री सेक्शन ओपन कर ले रही हूँ मैं यहाँ पर और इसको अनलॉक कर लेना है। तो चलिए आपको मैं एग्जैक्ट हाइट बताती हूँ इसकी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी हाइट भी अच्छी खासी है, करीब 4 इंच तक है ये। यहाँ पे इसकी हाइट और भी बढ़ सकती है। तो चलिए अब मैं अपने छत पर चलती हूँ, आपको मैं क्लियरली बताती हूँ, वहाँ पे लाइटिंग का प्रॉब्लम था। तो ये देखिए ये मोबाइल होल्डर को आप इस तरह से भी एडजस्ट कर सकते हैं।
तो चलिए मैंने इसको एडजस्ट कर लिया है। तो इसकी हेल्प से आप कोई भी पोजीशन पे वीडियो शूट कर सकते हैं, या फिर आप पोर्ट्रेट भी कर सकते हैं, या फिर लैंडस्केप भी। ये देखिए मोबाइल फ़ोन होल्डर है, और यहाँ पर आप इसको अनलॉक और लॉक कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। अब इसको अब यहाँ पर एक क्लिप है, इसको प्रेस करने से यहाँ पर ये लॉक हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से। तो चलिए ये तो हो गए इसके मोमेंट्स। अभी मैं आपको इसको ओपन करके बताती हूँ। इससे पहले मैं आपको यहाँ पर पोजीशंस बताती हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं आप, इस तरह से रोटेट कर सकते रहें 360 डिग्री पे। और यहाँ पर जो मैं नॉब बता रही हूँ, ये इसको करने से ये परमानेंटली फिक्स बैठ जाता है। आप इसको ये देखिए, अब इसको भी आप मूव कर सकते हैं। ये जो नॉब देख रहे हैं आप, इसको मैं लूज़ कर रही हूँ, अभी टाइट कर देती हूँ तो देखिए ये बिल्कुल भी नहीं मूव होगा। तो ये अच्छे से टाइट हो चुका है, ये देखिए इस तरह से। ये जो नॉब है इसको मैं घुमाने से ये है आपका जो ऊपर का पोजीशन है वो भी, इसका हाइट भी बढ़ जाता है इस तरह से। इसकी भी हाइट करीब आपको 2 इंच तक मिल जाएगी, या फिर 1 इंच एग्जैक्टली पता नहीं मुझे। तो देख सकते हैं आप, इसकी भी हाइट बढ़ चुकी है। तो चलिए मैं अभी आपको ये पूरे ट्राइपॉड का हाइट बताती हूँ कितना है। 3 सेक्शंस भी ओपन कर लेती हूँ मैं यहाँ पे। तो पहले मैं आपको सेकेंड पोजीशन बता देती हूँ। तो ये रहा हमारा सेकेंड पोजीशन, इसकी हाइट है करीब 3 इंच। और मैं जो थर्ड सेक्शन है इसको भी ओपन कर लेती हूँ। ये देखिए, ये रहा हमारा करीब 4 इंच है इसकी हाइट। बहुत ही लाइट वेट है, बहुत ही इजी है। आप अगर यूट्यूब वीडियोस भी क्रिएट करना चाहते हैं तो इसके लिए भी बहुत अच्छे है। आप देख सकते हैं इसके ऊपर का सेक्शन का भी हाइट कितनी अच्छी है। ये करीब हो चुका है 6 इंच, मैं कह सकती हूँ 6 इंच तक है इसकी हाइट। और इस नॉब से आप इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये फ़ोटोशूट्स के लिए भी बहुत ही अच्छा है, वीडियो शूटिंग के लिए भी बहुत ही अच्छा है, कैमरा और मोबाइल दोनों के लिए भी बहुत ही अच्छा है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप ये ट्राइपॉड ख़रीदना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूँगी। इसको मैंने फ़्लिपकार्ट से ख़रीदा था, बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मिल जाता है और बहुत ही अच्छा ट्राइपॉड है। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको क्लोज़ कर लिया है। अब इसके पैकेट के अंदर मैं इसको डाल लेती हूँ। आप इसको कहीं भी कैरी कर सकते हैं ईजीली, बहुत ही लाइट वेट है और कैरी करने भी ईजी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो और ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा हो। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।